जिस छवि से और काम किए, 86,000 वोट लाया था उन्होंने, तो हम बिहार की एजुकेशन में क्वालिटी चेंजेस करेंगे। मैं ये कभी नहीं कहता कि विकास का मतलब संपूर्ण कुछ कोई चीज पूर्ण हो जाता है। निश्चित रूप से काम बोलता है और उनके कारनामे बोलते हैं। पटना की बांकीपुर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार नितिन नवीन अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ इलाके से जीत का चौका लगाने की तैयारी कर रहे हैं। नवीन जी, 3 बार से आप यहां विधायक हैं, 3 बार से बिहार में आपकी सरकार है, इस बार बांकीपुर में किस मुद्दे पर आप वोट मांग रहे हैं? देखिए, हम लोगों ने जो विकास किया है, विकास के जो वादे हम लोगों ने किए थे और जिसको निभाने का काम हम लोगों ने किया है, वही हमारा आधार है इस बार के चुनाव का। और भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकारों का जो पहला USP होता है कि हम विकास के अपने कामों को लेके जाते हैं और उसी के आधार पर जनता का आशीर्वाद मांगते हैं। और विगत 3 टर्म से मैं रोकूंगा, जिस रोड पर हम चल रहे हैं हमें कूड़ा भी दिख रहा है और पानी भी दिख रहा है, तो ये विकास की नहीं? नहीं, देखिए, मैं ये कभी नहीं कहता कि विकास का मतलब संपूर्ण कुछ कोई चीज़ पूर्ण हो जाता है। कमियां जरूर हैं, लेकिन यही वो इलाके हैं जहां पर कच्ची सड़कें होती थी, आज वो पक्की सड़कें आपके जिस पे आप चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विकास का जो परिचय हम लोगों ने दिया कि पहले नगर निगम के कूड़े घर घर के दरवाजे पर रहते थे, आज हर घर से कूड़ा उठाने का काम हमारी सरकार कर रही है। तो ये चीज़ें हमारी सरकार में जो बदलाव है वो स्पष्ट रूप से, आज हर गली के चौराहे पे LED लाइट लगा, जो अंधेरी गलियां होती थी आज उन गलियों में LED लाइट है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो विकास के जो विषय हम लोग जितने अपने काम पर वोट मांग रहे हैं, निश्चित रूप से काम बोलता है और उनके कारनामे बोलते हैं, उनके कारनामे बोलते हैं। लेकिन जीत का चौका लगाने की जो आप तैयारी कर रहे हैं, सामने से गेंदबाजी करने आ गए हैं शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा, बड़ा नाम है, सेलिब्रिटी हैं। देखिए, मेरा ये मानना है जो भी सेलिब्रिटी हो, हम लोग अपने काम पर विश्वास करते हैं और पटना की जनता ने हम लोगों के काम देखा है। और जो सेलिब्रिटी आए हैं, हमारे मित्र हों, भाई हों, मेरे को उनको भी शुभकामना है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि किन एजेंडे पे जानेंगे, राहुल गांधी जिन्होंने जमीन से लेकर आकाश तक जिन्होंने घोटाला किया, कि नरेंद्र मोदी जो देश को आज नई दिशा दे रहा है, किसके साथ जाएंगे? यार, मुकाबला मोदी वर्सेस राहुल गांधी थोड़ी है, यहाँ पर नितिन नवीन बनाम लव। तो मैं नितिन नवीन की जो चुनौती है कि पिछले विधानसभा चुनाव में जिस बूथ पर मुझे जितना आशीर्वाद मिला, उस बार उस आशीर्वाद में कितना इजाफा होता है, मेरी चुनौती ये है। हम हर बूथ, पिछले बार जो जीत का अंतर रहा, वो अंतर मैं कैसे बढ़ा पाऊँ? हम जानते हैं ये सीट आपकी पारिवारिक सीट है, बड़ी मजबूत सीट है, 3 बार से आप जीत रहे हैं, आपके पिताजी यहाँ पर विधायक रहे हैं, वो तो 1 लाख से ज़्यादा वोट उनको मिला था। लेकिन इस बार जो आपके सामने जो उम्मीदवार हैं, उन उम्मीदवारों पर अगर मैं आपकी टिप्पणी मांगूं, लव सिन्हा, पुष्पम प्रिया, एक और हार्वर्ड से आए हुए प्रत्याशी हैं, तो ये जो उम्मीदवार हैं आपके सामने, इन लोगों पर आप क्या राय? मैं तो कहूँगा कि मैं पटना का बेटा हूँ, पटना की गली मोहल्लों में मैंने देखा है, और आज पिछले 15 वर्षों में पटना का कोई ऐसा गली मोहल्ला नहीं है जिसमें नितिन नवीन ने अपना परिचय नहीं बनाया हो। तो मेरा USP वही है, लोगों के भाई और बेटा बनकर काम किया हूं, और फिर मोहानी से लेकर बोरिंग रोड और के इलाके तक, चाहे वो चिनियाटार हो या मीठापुर हो, हर इलाके में हम लोग विकास की योजनाओं के साथ वहां खड़े हैं। और निश्चित रूप से हमारी जो मुकाबला जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो मेरा मुकाबला निश्चित रूप से पुराने जीत के अंतर को बढ़ाने की है। कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, इससे पटना की जनता कोई फर्क नहीं पड़ा। पटना की जनता ने हर तरह का टेस्ट लिया हुआ है, अब उनको मालूम है कि पटना की जनता को कौन सा टेस्ट चाहिए। शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे से कोई चुनौती नहीं? मैं मानता हूँ कि मेरी चुनौती बूथ में जीत के अंतर को बढ़ाने की। सामने आपके खुद को मुख्यमंत्री की उम्मीदवार कहने वाली पुष्पम प्रिया से, अगर मेरी बहन अपने आप को दावेदार मानती हैं तो मैं उनका स्वागत करता हूँ, लेकिन अपने काम के साथ आना चाहिए, केवल शब्दों और पेपर के ऐड से नहीं संभव है। तो आखिरी में नवीन जी, 3 बार से आप यहाँ जीत रहे हैं, लेकिन अपने पिताजी का रिकॉर्ड आप अभी तक तोड़ नहीं पाए हैं, जो 1 लाख से ज़्यादा यहाँ पर वोट पाए थे, तो क्या इस बार पिताजी का रिकॉर्ड टूटेगा? देखिए, पिताजी जिस छवि से और काम किए, 86,000 वोट लाया था उन्होंने, और आज जो पोलिंग परसेंटेज के हिसाब से हम लोग भी 70-80% वोट लेते हैं टोटल वोट का। और मैं स्पष्ट मानता हूँ कि उनके पद चिन्हों पर मैं चल रहा हूँ और चल पाऊँ, यही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे किसी भी काम से उनके पहचान में कोई कमी ना आए। ठीक है, आखिरी में नवीन जी, ये तो चुनावी बात आपने बताई सब कुछ, ये जो सीट है, यहाँ पे आप भी युवा हैं, महागठबंधन के उम्मीदवार भी युवा हैं, पुष्पम प्रिया हैं, तमाम जो उम्मीदवारों का चेहरा देखते हैं,
सारे युवा चेहरे हैं, ये सीट युवाओं की सीट हो गई है, तो यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है और युवाओं को लेकर के आप क्या वादा कर रहे हैं? देखिए, जो बिहार की स्थिति रही, हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेज किए बिहार में, एजुकेशन में इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेज हुए, लेकिन जो क्वालिटी चेंजेज है वो निश्चित रूप से हम वादा कर रहे हैं कि आने वाले समय में अगर हमारी सरकार बनती है तो हम बिहार की एजुकेशन में क्वालिटी चेंजेज करेंगे। और इसके लिए इसलिए कि नई शिक्षा नीति जो आई है, बिहार को हम लोगों ने कई स्तर पर बढ़ाया। आज जो ड्रॉप रेट था हमारा 10% आज वहाँ 0.5% बचा है। आज हमारी बहनें और छात्राएं निकल निकल के स्कूल जा रही हैं। हम एजुकेशन को प्राइमरी से हायर एजुकेशन तक लोगों को मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं अपनी बहनों को। तो ऐसी कई चीज़ें, लेकिन एक दो मेरे मन में विषय है कि आने वाले समय में जो हमारे बच्चे 9th, 10th और 11th, 12th के समय में कहीं ना कहीं उनकी काउंसलिंग की आवश्यकता है, कि जो इतने बड़े एस्पेक्ट में, ब्रॉडर एस्पेक्ट में फील्ड आए हैं, उन फील्ड की जानकारी होना और अपने USP के आधार पर उस फील्ड को चुनना। तो मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चों को 9th, 10th और 11th, 12th में भी काउंसलिंग हो और ये चीज़ें आने वाले समय में हम लोग शिक्षा में करेंगे। और ये वादा आप युवाओं से कर रहे हैं ताकि युवा आपके साथ हो? नहीं नहीं, मैं युवाओं के साथ काम किया हूं, इसलिए वादा हम लोग निभाने वाले लोग हैं। आज जो हमारे युवा साथी हैं उनको मालूम है कि हमारी सरकार ने 2,184 करोड़ रुपया केवल स्टूडेंट बेनिफिट में दिया ताकि वो अपनी पढ़ाई कर पाए। हम कह रहे हैं कि युवा जो है वो नीतीश सरकार से मतलब खुश नहीं है। नहीं नहीं, क्यों नहीं खुश होंगे? नीतीश सरकार ने आज बिहार का युवा को जो अपमानित होता था बिहार के बाहर जाने पे, आज बिहार के लोग अपने आप को गर्व से कहते हैं कि मैं बिहारी हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये है, ये वो लोग हैं जो मॉल की राजनीति करते हैं, हम लोग हैं गरीब के आसियाने की काम करते हैं। ठीक है, तो पटना की बांकीपुर सीट BJP यहाँ पर बेहद मजबूत है, उम्मीदवार भी उनका मजबूत है, इस सीट पर युवाओं के बीच मुकाबला है, लेकिन BJP को बेनिफिट यह है, लाभ यह है कि उसका युवा जो है वो अनुभवी भी है। लेकिन क्या ये अनुभव कार्ड चल पाएगा या फिर बांकीपुर में होगा बदलाव, नतीजे बताएंगे। फिलहाल बिहार की राजधानी पटना के दिल में स्थित बांकीपुर में दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है और सभी युवा उम्मीदवार एक दूसरे को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। कैमरामैन अजय तिवारी के साथ जैनेन्द्र, ABP न्यूज पटना। ABP न्यूज आपको रखे आगे।